नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, राजस्थान के करौली स्थित नादोती थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद एसिड फेंकने और दो गोली मारकर हत्या करने के मामले में बीजेपी ने राजस्थान सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। राजस्थान की आग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। यहां बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने भी घटना की निंदा की। कविता पाटीदार ने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान में ऐसी घटनाएं आम हो गई है। सोनिया और प्रियंका गांधी एक बहन होकर बहनों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका पहले बहनों को सम्मान देकर उनकी रक्षा करना सीखे, इसके बाद लड़ने की बात करे। ग्वालियर आने से पहले प्रियंका गांधी को राजस्थान जाना चाहिए और वहां देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जानकारी प्राप्त हुई कि राजस्थान में करौली में एक हमारी दलित बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ये मन बहुत दुखित हुआ इस सारी चीजों को सुनकर देखकर, और हैवानियत की हद तो जब पार हो गई कि जब उस बहन का सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसके बाद एसिड डालकर उसको जला दिया गया और कुएं में उसको फेंक दिया गया। ये कांग्रेस शासित राजस्थान में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो मैं आप सब के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वे सर्वा है, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो बहनों की अगर सुरक्षा नहीं कर सकती है एक बहन होकर, और वो हमेशा जो हमारी प्रियंका गांधी बोलती रहती है कि मैं बहन हूँ, मैं नारी हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़की हैं तो पहले बहनों को, लड़कियों को सम्मान दें, उनकी इज्जत की सुरक्षा करना वो सीखें, उसके बाद वो ये लड़ने की बात करें। ये मन बहुत दुखी तो, और ये लगातार राजस्थान में ऐसे केस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी प्रियंका गांधी ग्वालियर आने की बात कह रही, तो मैं तो कहूंगी कि वो जाएं राजस्थान में और देखें कि बहनों के साथ क्या हो रहा है। अभी नागौर जो महिला मोर्चा की बैठक हमारी थी प्रदेश पदाधिकारियों की, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों को लेकर मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं दी है, हमें बहुत गर्व है कि ऐसे जननायक हमें मिले हैं कि बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और उनके हाथ पीले करने से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक की योजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों के और बेटियों के बीच में किया है। और अभी तो लाडली बहना योजना बनाकर प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों को इसकी योजना का लाभ मिल रहा है। उसके लिए सभी बहनों की तरफ से हम बहुत धन्यवाद देते हैं। अब महिला मोर्चा इन सारी योजनाओं को लेकर, क्योंकि संगठन में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा नीचे तक जाएगा, बूथ तक जाकर इन लाभार्थी बहनों से संपर्क और संवाद का कार्यक्रम करेगा। हमने बहनों को इतना जो जोड़ा है, उनके बीच जाना, विकास के कामों को नीचे तक ले जाना, क्योंकि बहनें किसी भी कार्य में हर बहुत दक्षता के साथ उस कार्य को करती है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो एकमात्र पार्टी है जिन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी बहनों के नेतृत्व पर भरोसा करके 50% आरक्षण दिया था। आज संगठन में भी बहनों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर उनको कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।